हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को। जितने भी हमारे डियर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, वेलकम करता हूँ। साथियों, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, आप लोग देखिएगा समझिएगा। आज हम लेकर आए हैं मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी के आपके वीडियो नंबर 4 है, जिस जो है रेगुलर कर रहा हूँ। तो जो लोग भी अभी पढ़ने वाले हैं ज़रूर पढ़े, नहीं पढ़ने वाले हैं वो तो अपना क्वेश्चन बैंक के चक्कर में रहेंगे कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पढ़ लेंगे। बाकी आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको संपूर्ण नर्सिंग में एक चीज़ बता देता हूँ मैं, आपके संपूर्ण नर्सिंग लाइफ चाहे अभी हो या जॉब में हो, आपको जो है मिडवाइफरी और गायनकोलॉजी बहुत जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ गए। तो मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी पढ़ना जानना, टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप नहीं पढ़ेंगे डिटेल में तो नहीं जान पाएंगे, तो इसके लिए पढ़िए समझिए तो जो है आपका अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी का है वीडियो नंबर 4 है, मैं यहाँ पे देखता हूँ। साथियों, सबसे पहले चीज़ है, क्वेश्चन है हमारा एमटीपी। आपको एमटीपी के बारे में पूछेगा, मींस चिकित्सीय गर्भपात, इसको हिंदी में कहते हैं। फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये आपके फुल फॉर्म होते हैं। तो साथियों, चिकित्सा गर्भपात क्या है, इसकी अवस्था लिखना है, फेज लिखना है, और इसके प्रक्रिया और जटिलता सभी चीज़ें लिखना है। तो आपसे ये क्वेश्चन 10 नंबर में भी पूछ सकता है या फिर आपसे 5 नंबर में भी पूछ सकता है। चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए एमटीपी होते क्या है, चिकित्सीय गर्भपात होता क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी क्या होता है। साथियों, 20 सप्ताह की अवधि से पूर्व, यानी 20 सप्ताह के अवधि से पूर्व गर्भ अवस्था में किसी पंजीकृत स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा महिला के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा हेतु जो गर्भपात किया जाता है उसे एमटीपी कहते हैं। इस गर्भपात को एमटीपी एक्ट 1971 की धारा के अनुसार ही किया जाता है। साथियों, देखिए होता क्या है कि कभी कभी देखते होइएगा कि प्रेगनेंसी पीरियड में महिला को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और उसके जीवन पर सवाल आ जाता है कि या तो बच्चा बचेगा या तो स्त्री बचेगा। तो इस कंडीशन में स्त्री जो है, जो जिसका अभी जीवन जिंदगी में चल रहा है, ज़्यादा उसका महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अभी तक दुनिया में नहीं आया है तो उसका क्या अभी आशा है। तो ऐसे में उसके गर्भ में होने से महिला को, माता को दिक्कत होता है या जीवन के रक्षा के लिए ज़रूरी होता है गर्भपात कराना, तो उसे हम जो है चिकित्सीय गर्भपात के द्वारा जो है ये चीज़ें किया जाता है, जिसे हम एमटीपी कहते हैं, समझ गए। इस गर्भपात को एमटीपी एक्ट 1971 के धारा के अनुसार किया जाता है। जो भी आपके मेडिकल, जो भी डॉक्टर ये करते हैं तो वह ध्यान रखते हैं इस एक्ट का, और इसी एक्ट के तहत करते हैं, वह इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि महिला के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ बात है, तभी जाके वह एमटीपी को कर पाते हैं, वरना वह नहीं करते हैं। ऐसा अगर कोई नॉर्मल में चेक करवाना चाहें या कोई नॉर्मल जो है एबॉर्शन करवाना चाहें, गर्भपात कराना चाहें, तो यह कानूनी अपराध है, समझ गए। लेकिन एमटीपी एक लीगल तरीका है एबॉर्शन कराने का, समझ गए, गर्भपात कराने का, जिसमें हम मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल का उपयोग करते हैं, और यह तब किया जाता है जब गर्भवती महिला के स्वास्थ्य और जीवन के रक्षा हेतु गर्भपात कराना जरूरी होता है, तभी यह एमटीपी कराया जाता है, समझ गए। एमटीपी क्या है, एमटीपी एक आपका एक्ट है जो भारत सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया, समझ गए। चलिए एमटीपी की अवस्था, अब हम लोग से एमटीपी के कंडीशन पूछा है कि किन किन कंडीशनों में एमटीपी किया जाएगा। साथियों, भारत में चिकित्सीय गर्भपात मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, एक्ट के अनुसार किया जाता है। मतलब भारत में जो मेडिकल जो गर्भपात, मेडिकल जो एवर्सन होता है, चिकित्सीय जो गर्भपात होता है, वह एमटीपी एक्ट के अनुसार किया जाता है। भारतीय संसद ने, पार्लियामेंट ने एमटीपी अधिनियम को 1971 में पास किया एवं जून 2003 में कुछ संशोधन किए। साथियों, ये आपके जो है, ये जो एमटीपी है, यह एमटीपी जो आपके
साथियों जो हमारा एमटीपी अवस्था है, जो कंडीशन है, किस अवस्था में एमटीपी किया जाएगा, मतलब मेडिकल प्रेग्नेंट गर्भपात जो होता है वह किस अवस्था में किया जाएगा। तो एक चीज़ समझिए कि जो हमारा भारतीय संसद है, चूँकि एमटीपी एक कानूनी प्रोसेस है, एक कानूनी गर्भपात है, ठीक है, जिसमें चिकित्सक करते हैं, और यह जो है 1971 में कानून जो है बना, जो भारतीय संसद ने 1971 में इसे पास किया, और पास करने के बाद जो है यह एक कानून एक्ट बना, और जिस एक्ट में जून 2003 में कुछ संशोधन किए गए, मतलब एक्ट बना 1971 में ही, एमटीपीए 1971 में ही बना, लेकिन आगे चल के 2003 जून में इसमें कुछ चीज़ें का संशोधन किया गया, और इसमें किन किन चीज़ों को जोड़ा गया देख लीजिए। देखिए यही सब अवस्था है जहाँ पे एमटीपी किया जाता है। देख लीजिए, वे स्थितियाँ जिनके कारण किया जाना चाहिए, ठीक है ना, ये सब जो नीचे देखेंगे ये सब अवस्था है जिन अवस्था में एमटीपी किया जाता है। चलिए देखिए, गर्भवती महिला के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होने की आशंका, अगर कोई प्रेगनेंसी वोमेन है और उसका अगर गर्भ के स्थान जो है गर्भ अभी 20 सप्ताह के अंदर में ही है, तो अगर उसे लगता है उस महिला को कि उसे मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इससे नुकसान है या फिर शारीरिक नुकसान होने वाला है, तो वह प्रेगनेंसी अगर 20 सप्ताह से पहले का है तो वह जो है एमटीपी उसे हो सकता है, ठीक है। इस अवस्था में बलात्कार के कारण किसी लड़की व महिला में गर्भ स्थापित हो जाना, अगर कोई लड़की या महिला को कोई रेप किया है और यह रेप के होने के कारण, बलात्कार होने के कारण अगर उसमें गर्भ जो है हो चुका है, वह गर्भवती हो चुकी है, और वह गर्भवती अगर 20 सप्ताह से पहले का है, मतलब कम का है, तो जो है वह गर्भपात इसे कराया जाता है एमटीपी के तहत, समझ गए। गर्भधारण गर्भ निरोधक औषधि के विफल हो जाने पर हुआ हो, अगर कोई गर्भ निरोधक गोली ले रहे हैं लेकिन उसके कारण भी अगर यह प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसमें जो है इसे एमटीपी कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा, शिशु के गंभीर शारीरिक व मानसिक अनियमितता के साथ जन्म लेने की आशंका, अगर कोई बच्चा है, कोई शिशु है और वह जो है पेट में पल रहा है, मतलब पेट सॉरी गर्भ में पल रहा है, और यह आशंका हो रहा है कि बच्चा को कोई भारी नुकसान शारीरिक या मानसिक तौर पे हो सकता है, तो इससे बचने के लिए उसके जन्म लेने से पहले ही जो है यह करा दिया जाता है एमटीपी, ताकि वो बच्चा जो नुकसान हो, शारीरिक रूप से विकलांगता हो सकता है या मानसिक रूप से मंद बुद्धि वगैरह वगैरह का हो सकता है, तो वैसे बच्चे का ढोना में बहुत मुश्किल होता है जीवन, तो उससे पहले अगर ऐसे पता चल जाता है तो यह एमटीपी कराया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है कि गर्भपात अधिकृत व पंजीकृत चिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिए, और जो भी गर्भपात किया जाता है वह कोई एक जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ जो स्पेशलाइज हो इस क्षेत्र में और जो रजिस्टर्ड हो उसके द्वारा ही यह किया जाना चाहिए, वरना यह इलीगल होता है, समझ गए। चूँकि जो रजिस्टर्ड होगा तो वह अपने ऊपर चीज़ को लेगा नहीं, वह सब चीज़ देखेगा कि यह एक्ट के तहत आता है या नहीं आता है, अगर उसके क्षेत्र में रहेगा तो ठीक है, अगर उससे बाहर का होगा तो वह मना कर देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एबॉर्शन एक कानूनी अपराध है, समझ गए। लेकिन यह एमटीपी एक्ट जो है यह देता है कि आप करवा सकते हैं, बट इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ अवस्था है, जो अवस्था ऊपर में आप लोग देखे हैं, अगर इसमें से कोई भी अवस्था बनता है तो आज जो है एमटीपी रूल के तहत एक रजिस्टर्ड जो गाइनकोलॉजिस्ट होगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, वह कर सकती है एमटीपी, समझ गए। चलिए तो ये चीज़ समझ गए आप लोग, तो इसके अंतर्गत अवस्था याद रखिएगा जरूर कि किन किन अवस्था में एमटीपी किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चिकित्सीय गर्भ अवस्था की समापन प्रक्रिया, मतलब देख लीजिए चिकित्सीय मतलब एमटीपी का प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या है, अगर कोई एमटीपी करता है, कोई डॉक्टर कोई गाइनकोलॉजिस्ट गर्भपात करवाती है कोई अगर गाइनकोलॉजिस्ट, तो वो जो है किन किन चीज़ों को किन किन प्रोसेस में हो सकता है एमटीपी। चलिए देखिए, एमटीपी विधि का चयन गर्भ अवस्था के अवधि पर आधारित होता है, मतलब जो एमटीपी होता है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यह जो चीज़ें होता है यह गर्भ अवस्था मतलब प्रेगनेंसी पीरियड के जो है उस पर बेस होती है, मतलब नॉर्मल इसे जो है 20 सप्ताह इससे नीचे के जो गर्भ रहता है उसको आराम से यह किया जाता है एमटीपी, समझ गए। तो यही जो है अवधि पर आधारित होता है, बट
हाल फिलहाल में 21 या 22 में इसमें कुछ अमेंडमेंट संशोधन किया गया है, जहां पे क्रिटिकल सिचुएशन में अगर 20 से पार कर गया है और 24 सप्ताह तक हो रहा है, और इस कंडीशन में अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन है जो शिशु को या माता को नुकसान है, तो जो है क्या कर सकता है, 20 से 24 सप्ताह के बीच में भी हो सकता है, जो कि एक नया आपका अमेंडमेंट आया है। ठीक है, नॉर्मली 20 सप्ताह माना जाता है इसका, 20 वीक्स। ओके, चलिए, तो इसका जो अवधि होता है पहली तिमाही, मतलब प्रथम 3 माह। ठीक है, प्रथम 3 माह में कैसे होता है, इसमें 12 सप्ताह तक की अवस्था का गर्भपात किया जाता है। प्रथम तिमाही के मतलब समझ रहे हैं कि 12, मतलब एक महीना में 4 सप्ताह होता है, तो 4 × 3 कीजिए तो 12 सप्ताह होगा, यानी 3 मंथ। यह प्रथम 3 सप्ताह में जो है, यानी यह प्रथम 12 सप्ताह तक गर्भ अवस्था का गर्भपात किया जाता है, समझ गए, यही प्रथम 3 माही होता है। ओके, इसमें जो मेथड होता है वह मेडिकल मेथड होता है, मेडिकल चिकित्सीय मेथड होता है, जिसमें MTP 1 सप्ताह तक की गर्भ अवस्था के लिए किया जाता है। इसमें औषधियों द्वारा MTP किया जाता है, जैसे मिसोप्रोस्टॉल और मिफेरिस्टोन और मेथोट्रेक्जेट और टोमोक्सीफेनी, ये सब जो आपके दवाई हैं, ये दवाई गर्भपात में काम करता है, समझ गए चीज़ को। अगर गर्भ प्रेगनेंसी अगर 1 सप्ताह का है, ठीक है, 1 सप्ताह या इससे कम का है, तो ये दवाई के द्वारा जो है गर्भपात किया जाता है, यानी मेडिसिन के द्वारा या चिकित्सीय गर्भपात होता है। प्रथम 3 माही की हम बात कर रहे हैं, प्रथम 3 माही में अगर गर्भ 1 सप्ताह का है या इससे कम का है, तो उसमें औषधि के प्रयोग किया जाता है। जो औषधि यहाँ पे दिया गया है, आप इसका नाम देख लीजिएगा। ओके, बार बार पढ़िएगा। ये तो मैं आपको बता दिया कि ये तरीका है जिसके द्वारा अगर कोई 1 सप्ताह की प्रेगनेंसी है या इसके अंडर में है, तो कुछ दवाइयाँ हैं जिसके द्वारा वह जो है एवर्सन हो सकता है MTP के तहत। ओके, चलिए, ये हो गया। दूसरी चीज़ें है प्रथम तिमाही में सर्जिकल है, इनमें निम्न विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, सर्जरी के द्वारा निम्न विधियाँ होता है। एक है सक्शन इवैक्यूएशन का मतलब होता है कि इसे 10 सप्ताह तक की गर्भ अवस्था में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सीधा समझिए 1 सप्ताह तक होगा तो मेडिसिन का उपयोग होगा, तो मेडिकल हो जाएगा वो, सर्जिकल होगा तो यह 10 सप्ताह तक उपयोग किया जाता है, और हम देख क्या रहे हैं प्रथम 12 सप्ताह तक का, समझ गए। तो प्रथम 10 सप्ताह तक ये सक्शन एवैक्यूएशन का उपयोग किया जाता है। इसमें एक कैनूला को सक्शन मशीन से जोड़कर गर्भाशय में डाला जाता है, वह सक्शन द्वारा, मतलब चूसन द्वारा कंसेप्शन प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। मतलब ये जो सक्शन एवैक्यूएशन होता है, इसमें होता है कि एक कैनूला होता है, कैनूला को एक सक्शन मशीन से जोड़ा जाता है। अब सक्शन मशीन क्या करता है, सक्शन खींचने का काम करता है चूस कर, ठीक है, तो गर्भाशय में सक्शन को डाला जाता है, और यह जो है कैनूला को डाला जाता है और सक्शन मशीन के द्वारा जो है खींचा जाता है, और ये जो कंसेप्शन जो अंदर बना होता है गर्भाशय में, मीन्स जो प्रोडक्ट बना होता है, उस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। चूँकि ये 10 सप्ताह तक जो प्रोडक्ट होता है वह अभी रूप नहीं लिया रहता है शिशु का, ठीक है, तो यह प्रोडक्ट को निकाला जाता है, समझ गए चीज़ को। चलिए, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा डिलेशन एंड एवेक्यूएशन। ठीक है, डिलेशन एंड एवेक्यूएशन, देखिए इस विधि का 6 से 8 सप्ताह तक जो है गर्भ अवस्था में इस्तेमाल किया जाता है। मेटल डिलेटर्स की सहायता से सर्विक्स को फैलाया जाता है एवं गर्भाशय गुहा में कंसेप्शन प्रोडक्ट का एवेक्यूएशन किया जाता है। ठीक है, देखिए होता यह है, डिलेशन एवेक्यूएशन का मतलब होता है कि इस विधि में, चूँकि यह सर्जिकल मेथड है, तो इसमें एक मेटल डिलेटर्स का प्रयोग किया जाता है। मेटल डिलेटर्स क्या करता है, डिलेटर मतलब होता है, समझिए, फैलाने वाला, ठीक है ना, तो मेटल जो डिलेटर्स होता है वह क्या करता है कि जो सर्विक्स, जो ग्रीवा होता है यूटरस के नीचे, उस सर्विक्स को फैलाता है, डिलेट करता है, और फैलाने के बाद जो है वह मेटल को गर्भाशय गुहा में भेजा जाता है, और भेजकर जो प्रोडक्ट बना होता है उस प्रोडक्ट को उसी गर्भाशय के अंदर ही एवैक्यूएट कर दिया जाता है, एवैक्यूएशन कर दिया जाता है, समझ गए, नष्ट कर दिया जाता है।
और ये जो डिलेशन एंड एवोकेशन होता है यह 6 से 8 सप्ताह में होता है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपके 2 विधि हो गया, ठीक है, प्रथम तिमाही में 2 विधि हो गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा दूसरी तिमाही। अब हम लोग प्रथम 12 यानी प्रथम 3 महीने का देख लिए कि 1 महीने, उसके बाद 10 सप्ताह, उसके बाद 6 से 8 सप्ताह के अंदर 3 विधि से किया जाता है, समझ गए हम लोग, जिसमें एक मेथड मेडिकल और दूसरा सर्जिकल, चीज़ को समझ गए। एंड अब दूसरी तिमाही यानी कोई अब 12 सप्ताह के बाद जो है, ये 12 सप्ताह तक तो वो प्रथम तिमाही हो जाएगा, तो अब 13 से 20 सप्ताह तक गर्भ अवस्था का गर्भपात किया जाता है इसमें दूसरे तिमाही में, ठीक है। दूसरे तिमाही में कितने से कितने अगर प्रेगनेंसी पहुंच चुका है तो उसका होता है, तो 13 से अगर 20 सप्ताह का प्रेगनेंसी हो चुका है तो इस कंडीशन में जो है किया जाता है, यानी 3 महीने तक तो प्रथम तिमाही होता है, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक अगर रहता है तो इसे जो है दूसरी तिमाही में लेते हैं। जैसे देख लीजिए, 13 से 15 सप्ताह की अवस्था में डी एंड ई जो है डी ए द्वारा गर्भपात किया जाता है। डी एंड ई का मतलब होता है डिलीशन एंड एक्यूबेशन, जो ऊपर में आप देखे हैं, समझ गए ना, डी एंड ई, डी एंड ई यही होता है डिलीशन एंड इवेकुएशन, समझ गए चीज को। चलिए तो वही है, पहला है कि 13 से 15 सप्ताह की अवस्था में, मतलब जो 13 से हम लोग 20 देख रहे हैं ना, इसमें भी अलग अलग बांटा हुआ है। प्रथम जो 13 से 15 होगा तो इसमें डी ई गर्भपात, डी ई द्वारा गर्भपात किया जाता है, जो कि डी ई ऊपर वाला है, ठीक है, डिलेशन एंड एक्यूबेशन। इंडक्शन ऑफ एवर्सन के लिए प्रोस्टेग्लैंडाइन्स का भी उपयोग किया जाता है, मतलब इंडक्शन ऑफ एवर्सन के लिए ग्लैंडिंस का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंडक्शन ऑफ एवर्सन के लिए प्रोस्टेग्लैंड्स का भी उपयोग किया जाता है। तीसरा है इंडक्शन ऑफ एवर्सन, इंडक्शन ऑफ एवर्सन का मतलब होता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का अंतः गर्भाशय इंट्रायूटेरिन इंस्टीलेशन किया जाता है, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के रूप में इथोक्रिडाइन लैकेट, ठीक है, 0.1 बिलियन का उपयोग किया जाता है, वह हाइपरटोनिक यूरिया 40% तथा सेलाइन 20% का भी उपयोग किया जाता है। देखिए ये जो तीसरा आप इंडक्शन ऑफ एवर्सन देख रहे हैं, तो इस इंडक्शन ऑफ एवर्सन में एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाया जाता है, और इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को इंट्रायूटेरिन मतलब गर्भाशय के अंदर जो है डाला जाता है, आरोपित किया जाता है, जिससे होता यह है कि ये सॉल्यूशन जो है नष्ट कर देता है जो प्रोडक्ट बना होता है अंदर में। तो इस सॉल्यूशन में इथोक्राइडिन लोकेट 0.1 का उपयोग किया जाता है, और हाइपोटोनिक यूरिया 40% और सलाइन 20% का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपके इंडक्शन ऑफ एवर्सन हो गया, समझ गए। चौथा देखिएगा, कुछ परिस्थिति में हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है, ठीक है, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है, यानी गर्भाशय में इंसिजन चीरा लगाया जाता है, ठीक है। तो ये 13 से 20 सप्ताह का आपका हो जाता है, जब जो है आपको हिस्टेरेक्टोमी भी कुछ से कंडीशन में किया जाता है, ओके। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जटिलता देखते हैं, कॉम्प्लिकेशंस, मतलब अगर एमटीपी कोई कराता है तो एमटीपी कराने से क्या जटिलता इसका आएगा, कॉम्प्लिकेशन देख लीजिए। जनन मार्ग में क्षति हो सकता है, मतलब जो जनन ऑर्गेन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, उसमें क्षति पहुँच सकता है, ठीक है। अपूर्ण गर्भपात मतलब इनकम्प्लीट एवर्सन, मतलब जो एवर्सन हो सकता है वह इनकम्प्लीट हो सकता है, समझ गए, अपूर्ण हो सकता है, और इससे जो है आगे के समय में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए देखते होइएगा कि जो गर्भपात कराता है उसका शरीर खराब हो जाता है, क्योंकि उसको बार बार ब्लीडिंग जो है शुरू हो जाता है। उसके बाद है हेमरेज, रक्त स्राव होता है, ठीक है, रक्त स्राव होने लगेगा, आघात शौक लग सकता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है, संक्रमण गंभीर हो सकता है, मासिक धर्म से संबंधित समस्या हो सकता है, एंड इनफर्टिलिटी बांझपन भी हो सकता है। तो एमटीपी अगर कराए तो सोच समझ के कराना चाहिए, वरना ये सब जटिलता सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका जटिलता भी बता दिए, विधि भी बता दिए, अवस्था भी बता दिए, समझिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ये सब इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, आप इसका इंग्लिश अच्छे से देख सकते हैं, ओके। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपका, क्वेश्चन पूछ सकता है इनफर्टिलिटी के बारे में। देखिए इनफर्टिलिटी दो तरीके का होता है, एक आपका होता है मेल इनफर्टिलिटी और एक होता है, सॉरी, एक होता है फीमेल इनफर्टिलिटी और एक होता है आपका मेल इनफर्टिलिटी, यानी पुरुष में भी बांझपन होता है और मेल में भी जो है बांझता होता है, ठीक है। स्त्री बांझता मतलब बांझपन जिसको बोलते हैं, और पुरुष का अलग है। ओके, चलिए हम लोग आज देखते हैं इसका कॉज, देखेंगे कि किन किन कारणों से जो है स्त्री में बांझपन होता है, समझ गए। देखिए स्त्री बांझता के कारण, कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। देखिए बांझता के लिए महिला संबंधी कारण निम्नलिखित होते हैं, ठीक है, मतलब फीमेल रिलेटेड रीजन फॉर इनफर्टिलिटी आर एल्सो फॉलो एज, ठीक है। देख लीजिए, पहला है डिफेक्टिव ओवुलेशन, असमान डिंब क्षरण। ओवुलेशन मतलब क्या होता है कि, ओवुलेशन मतलब क्या होता है कि डिंब का बनना, अंडा का बनना, ठीक है। तो असमान डिंब क्षरण यानी डिफेक्टिव ओवुलेशन मतलब जो ओवुलेशन हो रहा है वह जो है निष्क्रिय हो रहा है, उसका कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। पहला है अंतःस्रावी विकार, ठीक है। पहला देखिए डिफेक्टिव ओवुलेशन है मतलब असमान डिंब क्षरण, तो इसमें बहुत सारे प्रकार है। पहला है अंतःस्रावी विकार, इंडोक्राइन डिसऑर्डर। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोनल जो है सेक्स और जनन क्षमता को लिए उत्तरदायी होता है, तो ऐसे में किसी महिला में अगर समस्या हो रहा है बांझपन का, तो पहला उसका समस्या जो प्रकार हो सकता है वह डिफेक्टिव ओवुलेशन का हो सकता है, असमान डिंब क्षरण का हो सकता है, जिसमें महिला का जो अंडा है वही सही से नहीं बन पा रहा हो या वह नष्ट हो जाता हो, तो यह कहीं ना कहीं इंडोक्राइन विकार के कारण हो सकता है, समझ गए। तो यही चीज़ें हैं कि जैसे उसके कोई अंतःस्रावी विकार होगा, जैसे उसके आंतरिक कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे हार्मोनल फंक्शन या कुछ भी हो सकता है जो उसके ग्रंथियों में असमान क्रिया को समान से जो है समान क्रिया में बाधित होता हो उसके इंडोक्राइन में, तो ये प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं उसके डिंब पर इफेक्ट पड़ता हो, तो ये पहला अंतःस्रावी इफेक्ट हो गया। जैसे देख लीजिए, पहला में है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, ये सब के सब इंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसमें असमान होने के कारण जो है यह स्त्री के क्या होगा कि डिंब पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी समझ रहे ना, अंडा पर जो है अंडा अंडा बनने में इफेक्ट करेगा, और यह जो है अंडा को डिफेक्ट करेगा मतलब उसे क्षतिग्रस्त करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शरीर का हर एक रासायनिक क्रिया जो होता है वह हार्मोनल चेंजेज के द्वारा ही होता है, तो जैसे सेक्सुअल हो गया या बच्चा का बनना या फिर क्या हो गया कि जनन क्रिया में, इस सब में हमारा जो है एक उत्तरदायी होता है हार्मोन ग्रंथि भी, ठीक है। तो इस ग्रंथियों में डिफेक्ट होने से भी जो है असमान होने से अंडाणु जो है जो हमारा फीमेल का जो अंडा होता है उसमें डिफेक्ट होगा, समझ गए। दूसरा कुछ बीमारियां हो सकता है, जैसे रीनल फेलियर, किडनी का समस्या, डायबिटीज हो सकता है, सीलिएक रोग हो सकता है, मोटापा, ओवरीज एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज और एनोरेक्सिया नर्वोसा, समझ गए। तो देखिए आज के समय में, अगर मॉडर्न ज़माना में फीमेल लोग का बांधता होने का बहुत ज़्यादा केसेस जाने लगा है, क्यों, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। आजकल के जो गर्ल्स होती है वो जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेती है, जिससे उसका जो भी आंतरिक प्रजनन शक्ति है वह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जो है बहुत ज़्यादा बाहर के खान पान उसका सही नहीं रहता है, जिसके कारण उसका जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसमें असमानता आ जाता है, तो दूसरा बीमारी भी हो सकता है और इंडोक्राइन सिस्टम भी। तीसरा है अंडाशय बीमारी, अंडाशय का बीमारी ओवेरियन डिजीज, जैसे अंडाशय में ट्यूमर होना, ट्यूमर इन ओवरी, हार्मोनल डिजीज होना, ठीक है, ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस मतलब ओवेरियन एड्रियोमेट्रियोसिस, ठीक है, और पोलिस्टिक अंडाशय रोग, पोलिस्टिक ओवरी डिजीज, ये है ओवरी का रोग जिसमें ओवरी में ट्यूमर, हार्मोनल डिजीज, ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस और पोलिस्टिक ओवरी डिजीज, तो ये सब जो है अंडा के रोग है, अंडाशय का रोग है जिसमें बीमारी होने से भी बांझपन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है दोष युक्त डिंब वहन। अब हम लोग जो है कब पढ़ लिए, पहला तो हम लोग डिफेक्ट जो है हम लोग डिफेक्ट ओवम पढ़ लिए मतलब डिंब क्षरण पढ़ लिए, दोष युक्त डिंब क्षरण। अब लोग हम पढ़ेंगे दोष युक्त डिंब संवहन मतलब डिफेक्ट ओवम ट्रांसपोर्ट, समझ गए। तो यही दो प्रकार के जो है महिलाओं में प्रॉब्लम होने से जो है बांझपन होता है, ठीक है। देखिए
पहला है फैलोपियन ट्यूब में बाधा। अगर देखिए नाम से स्पष्ट है, दोष युक्त डिम्ब संवहन, मतलब संवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, मतलब जो डिम्ब है अंडा है इसके संवहन में मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में समस्या वाला रोग होता है तो बांझपन होता है, जैसे फैलोपियन ट्यूब में बाधा। अब हम लोग जानते हैं निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, अगर फैलोपियन ट्यूब में बाधा उत्पन्न होगा और तो फैलोपियन ट्यूब में अगर बाधा उत्पन्न होगा तो जो निषेचन की क्रिया के कारण जो अंडाणु और शुक्राणु मिला है वह जो है ट्यूब में आगे नहीं जा पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि वह क्या होगा यूट्रस में नहीं प्रवेश कर पाएगा, जिसके कारण वह गर्भ में नहीं हो पाएगा। तो यह फैलोपियन ट्यूब में बाधा होना। उसके बाद है दूसरा है फिमब्रिल एडेशन, फिमिब्रियल एड्रेशन, फिमिब्रिबल एडेशन, फिमिब्रियल एडेशन, समझ गए। दोषयुक्त शुक्राणु संवहन, डिफेक्टिव स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं तीसरा जो है वह है दोषयुक्त शुक्राणु संवहन, समझ गए। जैसे योनि में संक्रमण होने से शुक्राणु मेल का नष्ट हो जाता है, जन्मजात विसंगित होता है, गर्भाशय गिहा में चोट या शैल क्रिया, गर्भाशय ग्रीवा में संक्रमण, म्यूकस में एंटी स्पर्म चीज़ें हैं, मतलब म्यूकस जो है एंटी स्पर्म है जो स्पर्म को मारता हो, तो इन सभी कारणों से जो है आपके दोषयुक्त शुक्राणु संवहन यानी शुक्राणु को आगे जाने से रोकता है, जिसके कारण गर्भ नहीं हो पाता है, ठीक है। अब चौथा है दोषयुक्त गर्भ आरोपण, मतलब डिफेक्टिव इम्प्लांटेशन, जैसे फिब्रॉइड्स होता है, संक्रमण होता है, जन्मजात विसंगित होता है, हार्मोनल असंतुलन होता है, और ये सब जो है आपके दोषयुक्त गर्भारोपण है। तो इस प्रकार से चार प्रकार यहाँ पे हम लोग देखे हैं, दोषयुक्त डिम्ब संवहन और दोषयुक्त डिम्ब क्षरण में तीन देखे हैं और यहाँ पे चार देखे हैं। तो कुल महिलाओं में जो महिलाओं में जो बांधता होता है, जो बांझपन होता है, मुख्यतः दो कारण से, एक डिम्ब क्षरण के कारण से और एक डिम्ब में डिम्ब संवहन में समस्या आने से, यानी दोषयुक्त डिम्ब संवहन। तो ये बी नंबर, ये ए नंबर, और इसमें तीन पॉइंट था, इसमें चार पॉइंट था, ठीक है। और ये चारों पॉइंट में जो है हम लोग अच्छे से देखे हैं। तो जो लोग अगर पढ़ने वाले हैं वीडियो को एक से दो बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं। देखिए ये जो है इस ऊपर वाला का इंग्लिश है यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, ये मत समझिएगा कि ऊपर वाला भी है और ये सब इसी में है, तो ये मत समझिएगा, ठीक है। ऊपर वाले में यही इतना है और इसका इंग्लिश जो है ये नीचे वाला है, ठीक है। चलिए बाकी हिंदी इंग्लिश सब इसका साथ में ही दे दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़िए। तो हम आपको आज इनफर्टिलिटी इन मेल फीमेल में पढ़ाए हैं, मतलब महिलाओं में बांझपन, और दूसरा हम पढ़ाए हैं एमटीपी के बारे में। तो अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, चलिए हम विदा लेते हैं।